मक्के दा चौक बिलाल मारा खांदा बिलाल कोलियां ते लेटदा है हुमैया ठोकरा मारदा है हुमैया पत्थर मारदा है हुमैया कोड़े मारदा है आंदा बिलाल केड़ी हट्टी दा बनिया है रोंदा भी कोई नहीं तरफदा भी कोई नहीं हुमैया बिलाल दे उत्ते खलोगे आखन लगा बिलाल इनिया मारा खादिया नी होने दस मोहम्मद दे बारे की ख्याल सुनी सुनी होने दस उस नबी दे बारे की आना है दोगला लिया बिलाल हाथ चुक के फरमांदे ने सुन मक्के दिया काफरा बिलाल दा अकीदा की है सबसे ओला क्या बात है सबसे ओला आला जिदा हाथ सलामत नबी दना ते चुके जिदा हाथ सही है सबसे ओला आला हमारा आय हाय हाय ओ दोगा लालिया भाई दोगा लालिया सबसे ओला आला हमारा नबी सबसे दौला आला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे आए हाय पर न डूबे न डोबा हमारा जिनू सारा नहीं आंदा हमारा नबी आखे जिनू सारा नहीं आंदा हमारा नबी आखे पर न डूबे न डोबा हमारा 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 मेरा नबी ओए हजे नबी नहीं आया हजे मेरा नबी नहीं आया अल्लाह ने जबरील नु बुलाया फरमाया जबरील आ जा जी रब्बे जलील फरमाया मक्के विच इलान कर मक्के वाली ओ हुन परेशान ना होया जे मेरा यार मोहम्मद यार हुन परेशान ना हो यार हुन गम ना कर यार हुन टेंशन ना ली यार मेरा नबी आ रहा मेरा रसूल आ रहा मेरा पैगंबर आ रहा बाबा जी नबी आए ने मेरा नबी नबी नहीं नबियां दा इमाम है मेरा रसूल रसूल नहीं रसूलां दा इमाम है हर नबी आंदा रियावे मेरे तू बाद आएगा आदम नबी आंदे रे शीश नबी आंदे रे सुनी इब्राहिम नबी आंदे रे इस्माइल नबी आंदे रे मूसा नबी आंदे रे ईसा नबी आंदे रे ओ साडे तू मगरू ही आएगा अज सुनिया ने नबी दा मिलाद जी 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 अज सुनिया ने नबी दा मिलाद सजा के दसिया है नबी आंदे रे ने ओने आना है सुन्नी आंदे ने होया गया क्या बात है तुम्हारी किबला नबी की आंदे सन ओने आना है ओने असि आने वो आ गए ने माशाल्लाह आज दी ए बड़ी बबरकत महफले मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे गाऊं दुगल दे अंदर इनेकाद वजीरे बानी महफल भाई रफाकत जट साहेब जिन्होंने सारा इंतजाम कीता एहतमाम कीता अल्लाह सब दा इंतजाम करना एहतमाम करना अपनी पाक बारगाह दे अंदर दर्जे कबूलियत अता फरमाए माशाल्लाह आप दी मस्जिद इमाम खतीब किबला कारी साहब अल्लाह पाक इन्हां नूं भी इज़्ज़त अता फरमाए नकीब महफल साहब अल्लाह इन्हां नूं भी इज़्ज़त अता फरमाए मैं कोई खुतबा नहीं पढ़िया कि 10-15 मिनट मैं खुतबे दिलावां मैं बिला तमहीद ही गल शुरू कर लगा कि तुसीं बहुत देर तो इंतजार कर रहे हो और कारी साहब की मुहब्बत है कि यह भी राबते च रहे और बार बार कहते रहे कि जनाब तुसीं टाइम नाल आ जाए जे क्योंकि साढ़े बंदे 10 बजे सौ जाते हैं तो ये वाकई गल है पिंड थावां दे लोग एडी जल्दी वो फिर इन्ना बह भी नहीं सकते बजुर्ग बंदे हो तुसी नमाजी बंदे हो तो इस वास्ते मैं ज़्यादा हुण तुहानू इंतजार नहीं करवाना तो ना ही ज़्यादा देर बिठाना है
मैं दो तीन गल्लां मिलाद पाक दियां करनियां ने तो उस तो बाद इंशाल्लाह इजाजत। एक बारी मुहब्बत ना बोलिया जे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जितू जितू मैं देख रहा वा कि लोग दूसरे पिंडां तों भी सफ़र करके आए ने, जितू जितू कोई आया अल्लाह सब दा मिल बैठना कबूल फरमाए। वजदान साउंड सिस्टम भी सियालकोट तो सफ़र करके आए, अल्लाह इन्हां दा भी आना कबूल फरमाए। बाबा जी जड़ी आयत करीमा तुहाडे सामने मैं पेश कीती है, ये जड़ा महीना है ये केड़ा महीना जी? रबीउल, रबीउल वेखो बच्चे किड़े समझदार ने, गोडे छड़ दे पुत्र इधर मेरे वल तवज्जो। हसना नहीं किसी महफल में, क्योंकि महफल एक मेला नहीं भी जिदे मैं जुगता तो मारा तो हसावा के, हसना नहीं। मस्जिद अंदर हंसना मन है। किबला कार साहब तो शरीफ फरमान है, नबी पाक दी हदीस मुबारका का मफहूम है, जिहड़ा मस्जिद के अंदर हसदा है ना उची आवाज़ नाल, अल्लाह उहदी कब्र विच अंधेरा पैदा कर दे। इस वास्ते बड़ी मुहब्बत नाल बहना, इश्क नाल बहना। इंशाल्लाह एक घंटा मेरे को टाइम है, कोशिश करांगा कि उहदे विच ही मैं अपनी तकरीर वाइंड अप कर लवां। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे ने ये मिलाद शरीफ का महीना है, नबी पाक की आमद का महीना है, कुल कायनात और सारे नबियों के सरदार नबी की आमद का महीना है। तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह फरमाया अलबत्ता तहकीक असा मोमिना ते एहसान किया, अलल मोमिनीना असा मोमिना ते एहसान किया। या अल्लाह केड़ा एहसान किया ये? फरमाया एहसान ये किया है, मैं तुहानू अपना यार मुस्तफा अता फरमा छड़िया है, मैं तुहानू अपना यार अता फरमा छड़िया है। कौन अता फरमाया? अपना यार। मैं बैरोवाल पढ़ के आ रहा तो कारी साहब बार बार मैनू इन्हों की गल याद सी कि टाइम नाल आयो, तो मैं उत्थे 15 मिनट पहले ही तकरीर छड़ दी थी। तो मैनू कह रहे सन कि जनाब एक गल, मैं क्या हूँ अद्धी गल भी नहीं होनी। तो मैनू भी पता सी कि पिछे भाई रफाक साहब ने इन्ना इंतजाम किया, तुहानू बुलाया मैनू बुलाया। बाबा जी मिलाद मनाना भी हर बंदे दी वस दी गल नहीं, तो मिलाद विच आना भी हर बंदे दे वस दी गल कोई नहीं। मिलाद भी वह बुलाता है जिन्हों मुस्तफा नजरे अनायत अता फरमाते ने, ते मिलाद विच भी आंदा वह वे जिन्हों नबी पाक बुलाते ने। रब्बे काबा की कसम उठा गया ना, एवं तो नहीं सी ना किसी आखिया महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आ पूरा पिंड है ना, सारे तो नहीं आए, कुछ बंदे सुते होने ने, कुछ मैं दुकाना ते वेखे, कुछ मैं चौंक ते खड़े वेखे। क्यों? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अच्छा एक गल का मैनू जवाब दियो, दो गला लियो। अल्लाह ने एहसान किया मोमिना ते, एवं किसी के पिछे ना पै जाओ भी वह मिलाद नहीं मनांदा, वह मिलाद नहीं करता, वह मिलाद की खुशी नहीं मनांदा। इधर मेरे वाल वेखियो, सानू किसी नाल झगड़ने की लोड़, किसी नाल रौला पाउण की लोड़। मैनू एक बंदा कहन लगा, सुल्तानी साहब साढ़े पिंड के लोग मिलाद नू नहीं मानते, मिलाद नहीं मनाते, जुलूस विच नहीं आते, महफल विच नहीं आते। तो मैं क्या ना आउण? कहिंदा सानू दुख हुंदा। मैं क्या तुसी दुख ना करिया करो, क्यों? अल्लाह दे कुरान दा फैसला ए वे कि खुशी उन्हें मनानी है जिदे अंदर ईमान होएगा। अलल मुमिनीना इस बासा फीम रसूला, रसूल सारे वल नहीं, मोमिना ते अल्लाह ने एहसान किया, ते जिन्हां ते एहसान किया शुक्रिया अदा भी। बाबा जी किसे बंदे नू 10,000 दी लोड़ होवे, इधर वेखियो बचियो पुत्र गल समझियो, मेरी जुबान है बिल्कुल पंजाबी सादी, मैं मिसालां दे के गल्लां समझाना वे मेरे बाबिया नू गल समझ विच आ जाए, नमाजियां नू वे जे सुल्तानी नू बुलाया सजे ते केड़ी गल सुना के गया है। जुमले सुनियो, 10,000 रुपए की लोड़ होवे बंदे नू, बंदा सके भरा कोल जावे कि यार मैनू 10,000 की लोड़ है, वह आखे मेरे कोई नहीं। बंदा अपने यार कोल जावे, उन्हें जाके आखे यार मैनू 10,000 की लोड़ है, वह आखे यार गल ही कोई नहीं, हुणे तैनू दे देना, अंदर जावे 10,000 रुपया लिया के दे छड़े, उहदा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? जिसने 10,000 दिता है उहदा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? औखे वेले काम आया ना, औखे वेले काम आया। तो किबला जेड़ा औखे वेले काम आवे, लोग सारी जिंदगी उन्हें सलाम करते हैं, तो अपनियां नस्लां नूं भी दस के जाते हैं कि पुत्र जिथे ये चाचा लभे ना
ते इहदे हाथ चुमणे जे अब्बा जी वजह की है? कहिंदा पुत्रो जदों सकियां भरावां ने मैनू नहीं सन्ना दिते उदों इस चाचे ने तुहाडे अब्बे की मदद की सी, ते पता ही लग गया जिहड़ा औखे वेले काम आवे उहदा शुक्रिया अदा, उहदा शुक्रिया अदा। अल्लाह ने साडे ते एहसान कीता, ते एहसान भी छोटा नहीं कीता, जे छोटा होवे ते फिर एहसान भी बड़ा वड्डा कीता। एहसान की कीता? अल्लाह ने फरमाया मैं तुहानू ओ नबी दिता है, मैं तुहानू उस नबी का उम्मती बनाया है कि जिस नबी की उम्मत विच आउण वास्ते मूसा नबी वर्गे दुआवां करदे रहे ने। क्या बात है तुहाडी जनाब, तवज्जो करनी जे। मूसा नबी वर्गे आंदे रहे ने या अल्लाह सानू उस नबी का उम्मती बना दे, अल्लाह ने फरमाया नहीं। हज़रत ईसा की कबूल हो गई, तुसी तवज्जो नहीं की थी, जुमले समझ आ जाए। हज़रत ईसा की दुआ कबूल हो गई, हज़रत ईसा भी दुआ करते सन कुर्बे कियामत। हज़रत ईसा दुनिया ते आउणगे? बोलो आउणगे कि कोई नहीं? आउणगे ना, इलम की गल भी सुन लियो। हज़रत ईसा कुर्बे कियामत दुनिया ते आउणगे? नबी बन के नहीं आउणगे, उम्मती बन के आउणगे। ओए हजे भी मौलवियां नूं नबी दी शान समझ विच ना आवे, हजूर दा मकाम मरतबा समझ विच ना आवे। ओ नबी होवे ते जिहड़ा जिंदा आसमाना ते उठाया जावे। अल्लाह ने फरमाया ईसा जाना ही, मौला जाना है, दिल करदा है। अल्लाह फरमांदा फिर नबी बना के नहीं हूँ भेजना, या अल्लाह की बना के भेजना ही? फरमाया मुहम्मद दा उम्मती बना के भेजना ही। अल्लाह की कसम उठा के आना दो गला लिया, उस नबी की शान ते मिलाद वाले आका दा मरतबा की है, वो जिदा उम्मती हज़रत ईसा वर्गा नबी होवे उसकी शान की होवेगी, उसका मकाम की होवेगा, उसका मरतबा की होवेगा। इधर तवज्जो करो, सियालकोट तो जाते रहते हो ना तुसी सारे, सियालकोट साडा अपना शहर है। मैं लाहौर गया, फैसलाबाद गया, मुल्तान गया, उत्थे गल सुनाई। ए किबला जुमले सुनियो, सियालकोट का एक बहुत वड्डा दरवेश, बहुत वड्डा नाम होया, जो मैं नाम लवांगा तुहानू समझ विच आ जाएगी। उस दरवेश ते फकीर दा, अल्लाह दे वली दा नाम है हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह। जानदे हो कोई नहीं? हकीम साहब नूं जानदे हो? बाबे ते जानदे होणे जिहड़े चुप करके हुण बह रहे ने, बोलदे ने बे। हकीम अब्दुल हई साहब नूं जानदे हो ना जी? आ खादम अली रोड उहनां दे बजुर्गां दे नां ते, आ खादम अली रोड जिहड़ा इह उहनां दे बजुर्गां दा नां सी हकीम खादम अली। आ तवज्जो करियो, मैं कोई गल तुहानूं दे के जाणा चाहुंदा, एवें नहीं जाणा, तवज्जो करियो। एक बाबा जी मौलवी साहब आ गए हकीम साहब को, ते मैं अक्सर गल करना कि मौलवी की गल होर होंदी है, फकीर की गल होर होंदी है। जिहड़ी फकीर की गल होंदी है ना, वह पक्की होंदी है, पीड़ी होंदी है, वह लोहे ते लकीर होंदी है। फकीर अंदरू बोलदा, हो सकदा मेरे विच लालच होवे कि मैं तुहाडे को पैसे लैने ने, या तुसी पैसे सुटोगे तो मैं चंगी तकरीर करा, लालच आ जांदा ना जी बंदे दे अंदर। मैं इन्हां दी गल नहीं कीती है, ते साहिब लोग ने, मैं अपनी गल पे करना। जिहड़ा फकीर होंदा ना फकीर, उहदे दिल विच लालच, बोलिया जी लालच, उहदे दिल विच बुगज, उहदे दिल विच हसद। ऐ पूरी गल सुनी तो सारी जिंदगी मेरे वास्ते दुआ करनी है बाबे, चिटियां दाड़ियां वाले जिन्हें नमाजी बैठे हो नौजवानों। मौलवी साहब आ गए, आके कहन लगे हकीम साहब नबी पाक जिंदा ने, नबी पाक जिंदा ने? आपने फरमाया बिल्कुल जिंदा ने। कहन लगा जी मैं नहीं मानता। आपने फरमाया तेरे वर्गे लखां मौलवी ना मनन, मुहम्मद दी शान विच फर्क, हजूर दी शान विच फर्क। आप पूरी गल सुने जी, हकीम साहब दरवेश की गल, फकीर की गल अज भी सीने ते लिखी हुई है जिहड़ी तुहानू सुना रहा। हकीम साहब फरमाते ने मौलवी जी शामी जदों, ओ बच्चे चुप करो पुत्र, तुहानू मैं उठाना नहीं है इथों, लेकिन अदब नाल बवो ते गल को सुन लवो, चंगे रहोगे, फायदा होगा तुहाडा। हकीम साहब फरमान लगे जो मौलवी साहब शाम नू घर जाओगे ना, तो एक बार मूँह ते छट्टा मार के शीशे अगे खलोयो, सौंगे हो कि जागते बैठे? जदों शाम नू काम ते जावो सियालकोटों, जिस पिंड तों भी आए हो तुसीं, ते जाके मूँह धो के ना एक बार शीशे अगे खलोया जे, गल जिहदे उत्तों दी गुजर जाए उहदा मुकद्दर, उहदे नाल जिहदे दिल विच वड़ जाए उहदा मुकद्दर उहदे नाल। गल मैं फकीर दी सुणाउण लगा, हकीम अब्दुल हई साहब दरवेश जिन्हां नू रूमी असर किया गया, आखण लगा बाबा जी मूँह ते रोज़ाना ही धोना। फरमाया अज फिर धोवी, ते शीशे दे अगे खलो के अपना मूँह वेखना ही।
शीशे दे अगे खलो के ते अपनी शकल वेखनी आ, अपना चेहरा वेखना ही, अपना मूँह वेखना ही। कहिंदा हकीम साहब रोज़ाना वेखीद, फरमाया अगे अपनी मर्जी नाल वेना सा, अज साडी मर्जी नाल वेखी। बाबे इधर मेरे वाल वेखे, जुमले सुनो, बच्चा बह जा पुत्र थले, इहनू बिठा दो इत्थे इधर। भाई बाबा जी गल, टाइम थोड़ा है, मैं चाहना कि तुहानू जरूरी बातां सुना छड्डा। हकीम साहब फरमांदे ने जाके शीशा वेखी, अपना चेहरा वेखी। कहिंदा ठीक है, किबला टुर गया, मूँह ते छट्टा मारिया, शीशे दे अगे खलो गया, शीशे दे अगे खलो के ना ते कहन लगा हकीम साहब ने कहा सी, सुबह होई ते फिर टुर गया। हकीम साहब मैं शीशा वेख के आया। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया जदों शीशा वेखिया सी आ, पहला तेरा चेहरा उंजी सी? कहन लगा बाबा जी उंजी सी। फरमाया जदों शीशा वेखण तो बाद चेहरा उंजी आ? कहिंदा उंजी है। ते फरमाया फिर मन जा, जे तेरा चेहरा कोई इन्ने गुनाह करके भी बदलिया नहीं ते फिर मन मेरा मुहम्मद अज भी जिंदा है। सुन ओ बाबा जी, हर गुनाह साडे विच, हर ऐब साडे विच, ओए हर ऐब ते हर काम साडे विच, कदी किसे दा चेहरा बदलिया किदे सदके? ते अजे भी लोकी मिलाद इतराज करन, जी मिलाद क्यों मनांदे? ओ मैं कहा तेरी शक्ल बची है ना, ये सूर बन जानी सी ते खोता बन जाना सी ते गधा बन जाना सी, तू जे बचिया ना ते ऐसे मिलाद वाले नबी दे सदके बचिया होया, ऐसे नबी दे सदके बचिया होया। जे बचिया है अज तेरा चेहरा सलामत है, इसे वास्ते आलल ईलान अज सुल्तानी दोगल दी मस्जिद विच बह गए। आलल ईलान गल करके जलाए, सबसे आला हो आला हमारा, हाथ चुक नबी दे नां ते मिलादी बन के कहना ही, एक बारी पिंड नूं पता लगे वीडियो बन रही, सबसे आला हो आला हमारा नबी। बाबा जी सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला इत्थे सोका तो सबसे बाला हो आला हमारा, क्या बात है थोड़ी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। मेरा नबी कल भी शान वाला, मेरा नबी आज भी शान वाला, मेरा नबी कल भी मकाम वाला, मेरा नबी आज भी मकाम वाला है। नबी बड़े आए ने, रसूल बड़े आए ने, कोई नजीउल्ला बन के आया है, कोई सफीउल्ला बन के आया है, कोई खलीलुल्ला बन के आया जे, कोई ज़बीहुल्ला बन के आया जे, कोई कलीमुल्ला बन के आया, सुनी सुनी, कोई कलीमुल्ला बन के आया, कोई रूहुल्ला बन के आया है, कोई नबी आगे विच छाला मारदा है, अल्लाह आग नु गुलजार बना देंदा है, कोई नबी समंदर विच डंडा मारदा जे, अल्लाह बारह सड़क बना देंदा है, कोई नबी पंगूड़े अंदर लेट के अपनी मां दी गवाही देंदा है। नबी बड़े आए ने, रसूल बड़े आए ने, पर जिवें मेरा नबी आया है, इंज नबियां विच भी कोई नहीं, रसूलां विच भी कोई नहीं, जिमें मेरा नबी, सुन सुन सुन, जिमें मेरा नबी आया है, हे नबी रहमत बन के आया है, हे नबी करम बन के आया है, हे नबी बख्शिश का समान लैके आया है, थाइयों ते कह रहा वा सबसे आला हो आला हमारा नबी। जोगा वे एक बारी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा। मक्के दा चौंक इधर सुनियो, मक्के दा चौंक बिलाल मारा खांदा है,
बिलाल कोलियां ते लेट दाए हुमैया ठोकरा मार दाए हुमैया पत्थर मार दाए हुमैया कोड़े मार दाए आंदा बिलाल केड़ी हटी दा बनियाए है रोंदा भी कोई नहीं तरफदा भी कोई नहीं हुमैया बिलाल दे उत्ते खलोगे आखन लगा बिलाल इनिया मारा खादियां नी होने दस मोहम्मद दे बारे की ख्याल सुनी सुनी होने दस उस नबी दे बारे की आना है दोगला लिया बिलाल हाथ चौक के फरमा देने सोने मक्के दिया काफरा बिलाल दा अकीदा की है सबसे ओला क्या बात है सबसे ओला जिदा हाथ सलामत नबी दना ते चुके जिदा हाथ सही है सबसे ओला हाला हमारा आय हाय हाय ओ दोगला लिया भाई दोगला लिया सबसे ओला हाला हमारा नबी सबसे दौला हाला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे आए हाय पर न डूबे न डोबा हमारा जिनू सारा नहीं आंदा हमारा नबी आखे जिनू सारा नहीं आंदा हमारा नबी आखे पर न डूबे न डोबा हमारा 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 मेरा नबी ओए हजे नबी नहीं आया हजे मेरा नबी नहीं आया अल्लाह ने जबरील नु बुलाया फरमाया जबरील आ जा जी रब्बे जलील फरमाया मक्के विच इलान कर मक्के वालियो हुन परेशान ना होया जे मेरा यार मोहम्मद आ रिया हुन परेशान ना हो यार हुन गम ना कर यार हुन टेंशन ना ली यार मेरा नबी आ रहा मेरा रसूल आ रहा मेरा पैगंबर आ रहा बाबा जी नबी आए ने मेरा नबी नबी नहीं नबियां दा इमाम है मेरा रसूल रसूल नहीं रसूलां दा इमाम है हर नबी आंदा रियावे मेरे तू बाद आएगा आदम नबी आंदे रे शीश नबी आंदे रे सुनी इब्राहिम नबी आंदे रे इस्माइल नबी आंदे रे मूसा नबी आंदे रे ईसा नबी आंदे रे ओए साडे तू मगरू ही आएगा अज सुनिया ने नबी दा मिलाद जी 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 अज सुनिया ने नबी दा मिलाद सजा के दसिया है नबी आंदे रे ने ओने आना है सुन्नी आंदे ने होया गया क्या बात है तुम्हारी किबला नबी की आंदे सन ओने आना है ओने असी आने वो आ गए ने किबला कर साहब ये साडा ईमान है कोई नहीं आंदा ते ना आखे जी साहबा ने मिलाद मनाया है ते मैं क्या साहबा ने इंज दुकाना ते बह के डंडियां मारियां ने मौलवी जी जिवें तुसी मारदे पे दाढ़ी भी एडी एडी ते छुरी भी तेज अल्लाह की कसम है बाबा जुमले सुनिया जे जिन्ना भी इतराज होंदा ना सिर्फ मिलाद ते ही होंदा जे एक बंदा मैनू कहन लगा कहंदा सुल्तानी साहब इधर गल सुनियो बाबा जी चंगे राज पे लगते ने मैनू कहन लगा तुहानू पता मौलवियां दा फिर आपस च हो ही जांदी है आ गल वीडियो बन रही है मैं वीडियो के सामने गल कर मैं अपनी गल का जिम्मेदार हाँ मैनू कहन लगा समझ गए हो असी नाम ही नहीं लैना उन्हां दा इत्थे इधर वेखो मेरे वाल बाबा जी मैनू कहन लगा राज लगता पिया जी मैं क्या शुक्र अलहमदुल्ला मैनू आंदा बड़ा खुश है मैं क्या क्यों ना खुश होवां जिदा खाइए ओदा आए हाय 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 जिदा खाइए ओदा जिदा खाइए ओदा सानू गम ते आई कोई नहीं एक आख लगा कहंदा जी नबी पाक दी वफात भी बारह नूं है मसला समझो अपने अकीदे नूं मजबूत करो इलम दी गल जो
नबी पाक की वफात भी 12 नवें तो नबी पाक की विलादत भी 12 नवें तो तुसी खुशी मनांदे हो नबी पाक दे वफात दे। मैं क्या इधर मेरी गल सुन मसला समझो बाबा जी। शरीयत कहती है कि इस्लाम के अंदर सोग 3 दिन है। किन्ने किन्ने दिन? वह मसला समझो यार, सोग किन्ने दिन है? अगर सक्का बाप भी फौत हो जाए ना तो पुत्र 3 दिन सोग मना सकता। परेशान नहीं होना, गल मैं करना है, कारी नहीं जवाब देंगे, गल मैं जवाब दिया जी। आहो मत भी परेशान हो जाए, गल मैं पे करना तो मैं ही जवाब देने। किन्ने दिन सोग है? बुखारी मुस्लिम पढ़ के वेखो, हजरत जाफरे तैयार ते 3 दिन सोग हुए। मैं और हवाले देने तैयार। सोग इस्लाम के अंदर किन्ने दिन है? 3 दिन। 3 दिन तो ज्यादा सोग। मैं क्या किन्ने हजार साल हो गए ने नबी पाक नु, 1450 साल 1500 साल हो गए ने दुनिया तो पड़दा फरमाया। मैं क्या तू अजे भी दुखी है? मैं क्या पहली गल तो ये नबी पाक ने खुद फरमाया सोग 3 दिन है, तो दूसरे नंबर से मेरे नबी ने फरमाया, इधर वेख्या जे, आपने फरमाया मेरा आना भी तुहाडे वास्ते बेहतर है तो मेरा दुनिया तो जाना भी तुहाडे वास्ते है। इधर जुमले सुनो, मैं हदीस पढ़ना पाया, इब्ने माजा की हदीस। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह दुनिया से आना ये किवें बेहतर है तो दुनिया तो जाना ये किवें बेहतर है? वेख्यो जी बाबा जी गल समझो, नबी पाक ने फरमाया दुनिया के विच रहना बेहतर इस वास्ते वे कि तुहानू कोई मसला पेश आ जाए तो तुसी मैनू पुछ लैंदे हो। गल दी समझ आ रही है बाबियो? जिन्हों साहबा जिहड़ा मसला पेश आया साहबा किनू पुछदे सन? हजूर नू, नबी पाक नू पुछदे सन ना मसला। हजूर ने फरमाया दुनिया तू जाना बेहतर, पता क्यों है हजूर? क्यों है? हदीस जे मेरे नबी ने फरमाया हर जुम्मे वाले दिन मेरे उम्मतियां दे नामा अमाल मेरे ते पेश कीते जांदे ने। हर जुम्मे वाले दिन क्यों फरमाया? कि जुम्मे वाले दिन ज्यादा दरूद पाक पढ़िया करो, जुम्मे वाले दिन थोड़ा दरूद नबी पाक की कचहरी विच पेश होंदा हजूर दी पाक बारगाह च। इत्थे बाबा गल सुनियो, गल एक भी काम की लभ जाए तो वह भी बड़ी होंगी, जरूरी नहीं भी बंदा शेर पढ़े तो सुर लावे तो वही तकरीर होंगी है। तकरीर होवे जिहड़ी अंदर वड़ जाए, जिहड़ी दिल ते नक्श हो जाए। जुमले बाबा सुनिया जे, बहुत वड्डी गल, नबी पाक ने फरमाया हर जुम्मे वाले दिन मेरे हर उम्मती का नामा अमाल मेरे ते की कीता जांदा, पेश कीता जांदा। हजूर एदी की वजह है, आपने फरमाया जिहड़े नेक होंदे ने ना जो उन्होंने नामा अमाल फरिश्ते लैके आते हैं ना तो मैं खुश होना, तो जेडे गुनाहगार होंगे ने ना तो जो उन्होंने नामा अमाल वेना ना तो फिर मैं गमगीन होके तो अल्लाह को उन्होंने बख्शिश की दुआ मंगना वा। आए हाए 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 कितने टुर गए, दो गला लिये जुमले सुने जे उन्होंने बख्शिश की। वह मैं क्या असी क्यों गम करिए? साडे नबी कल भी जिंदा सन, साडे नबी कल भी जिंदा सन साडे नबी। अच्छा एक और गल सुनो बाबा जी, तकरीर की समझ आ रही कि कोई नहीं? इधर वेखियो, बंदा किसी के घर जाना होवे, बंदे ने मेहमान, तो बंदा पहला फोन करता भी घर ही हो, करता कि नहीं करता? इस जुमले सुने, वीडियो बन रहे सारी दुनिया तक पैगाम जा रहा, बंदा पहला फोन करता चाचा जी घर ही हो, मामा जी घर ही हो, वो पुत्र खैर है? चाचा साड़ी सलाह बनी सी तेरे लाउन की, वह कहता पुत्र कोई नहीं आ जाओ। इधर वेखियो, तो जे बंदा अगले दे घर आ जाए तो घर वाला घर ही ना हो, समझ आ रही है तुम? बंदा घर वाले नूं मिलन आया, घर वाले नाल मुलाकात करन आया तो घर वाला घर मौजूद, तो किसी बंदे घर आना, किसी बंदे उन्हें मिलन आना, उन्हें कहना घर ही कोई नहीं, तो जो घर ही कोई नहीं तो लैन की जाना जे? मैं क्या मौलवी सानू धोखा ना दे, अल्लाह की इज्जत की कसम क्यामत तक आशक आते रहने ने ते मदीने वाले दे घर जाते रहना, इन्हों पता है मेरा नबी अज भी जिंदा है, मेरा नबी। इसे वास्ते आल अली ईरान सुल्तानी तेरी मस्जिद ची आके कह रहे हैं, सोना दरबार मदीने वाले दा, हर बंदे दा हाथ बुलंद हो गया नबी दे मदीने दे ना दे, सोना दरबार मदीने वाले दा,
देखन चलिए कार मदीने वाले दा देखन चलिए कार मदीने वाले दा मदीना सोना 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 मदीना सोना 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 मदीना सोना 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 मदीना सोना सोना है दरबार मदीने वाले दा खन चलिए कार मदीने वाले दा नारे रिसाल नारे रिसाल आहा नारे रिसाल मेरे नबी दिया मंदा महीना नबी दे आउण दा महीना दोगला लिया मेरे नबी दी अम्मी फरमांदियां ने जदों मेरे बदन विच सोना आया मैं जिस गली जानी मैनू पत्थर सलाम देने मैनू हजर सलाम देने मैनू जानवर सलाम देने मैनू दरखत दे पत्ते सलाम देने आंदे ने अमीना तैनू मुबारक होवे तो अल्लाह दे यार दी मां बन गई तू अल्लाह दे यार दी महा बन गई है तू नबियां दे इमाम दी महा बन गई है मेरे नबी दी अम्मा फरमांदियां ने हर महीने नबी आ रहे ने रसूल आ रहे ने मुबारकां देंदे ने आंदे ने आमीना तैनू लख मुबारक होवे अन करीब तेरे वेड़े ओ नबी आने वाला है और रसूल आने वाला है अल्लाह दा पैगंबर आने वाला वे ओदी शान ए होनी है ओने चलना है कुरान बनना है जी ओने चलना है कुरान बनना है ओने उठना है कुरान बनना है ओने बहना है कुरान बनना है ओने बोलना है कुरान बनना है ओने हाथ चुकने ने कुरान बनना है ओने मदीने जाना है कुरान मदीने आना है ओने बदर जाना है कुरान बदर आना है ओने ओहद जाना है कुरान ओहद आना है फिर मन लिया रे हलल इलान कह रहे मेरे आका दी ज़ुबान साडे बा क्या बात है यार तुहाडी साडे आका दी ज़ुबान साडे बा सिते को मिल गया खो यार सारे साडे आका दी ज़ुबान साडे बा सिते कुरान साडे आका दी ज़ुबान साडे बा सिते जी बाबा एक बारी आखी साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान अज कोई किसे पिंड चू आया है अज कोई किसे पिंड चू आया है एहो कह रहे ने साडे नबी दी जुबान आला है साडे नबी दे हाथ आला ने साडे नबी दा सीना आला है साडे नबी दियां अखां आला ने साडे नबी दा बैणा आला है साडे नबी दा उठना आला है ताइयों ते सुल्तानी कह रहे आए साडे आका दी जुबान बाबा साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते अंज हाथ बुलंद कर कैमरामैन भाई जरा घुमाए नो घुमा के चक कर केड़ा बंदा है जेड़ा नबी दे नां दे हाथ बुलंद कर रहा है जेड़ा मिलाद वाले नबी दे नां दे हाथ चुक रहा है हाथ बुलंद करके कह रहा है साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कोरा साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान इस होर दा कलाम चंगा लगदा आए हाय इस होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं इस होर दा कलाम वमा يندق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
साडे आका दी जोबान साडे वास्ते ना बाबा डंडी नहीं मारनी जे तेरा दिल गवाही देंदा है फिर बोल जे चौधरी है फिर ना बोल जे जाटे फिर ना बोल जे मलक है फिर ना बोल जे जहरा दे बाबे दा नौकर फिर तेन बोलना पैना सुनो इंतजामिया आले फिर तेन बोलना पैना असी मुहम्मद दा लंगर खाने असी हजूर दे लैना दे लंगर खाने असी हजूर दे टुकड़िया दे पालने असी मदीने वाले दे लंगर दे पालने असी चुप नहीं रहना असा बोल के दुनिया नू दसना है एहो पैगाम देना है साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते इधर सुनियो जनाबे बिलाल उमैया आखन लगा बिलाल कोई मौजदा वेखी आई आ सुनियो जी सुनियो कोई मौजदा वेखी आई फरमाया नहीं नहीं चन टुकड़े आंदियां वेखी आई फरमाया नहीं नहीं सूरज डुबदा पलटदा वेखी आई फरमाया नहीं नहीं खजूरां बोलदियां वेखियां नी इत्थे सुन इश्क नाल बिलाल आंदे ने नहीं मक्के दे मुशरक मक्के दे काफर कहन लगे बिलाल ना चन दा मौजदा ना सूरज दा मौजदा ना खजूरां दा मौजदा की वेखियाई जिदे वेखण ते मुहम्मद दा नौकर बन गया है इधर वेखी तो गला लिया अलामा साहब जुमले सुनियो बिलाल फरमान लगे ओ मक्के दियो काफरो थानू पता नहीं असी नबी नू मनिया है जे असा अल्लाह नू मनिया है ओ भी मुहम्मद दी जुबान ते मनिया है जे असा रब नू मनिया है जे असा अल्लाह नू अपना रब मनिया है ते साडे नबी ने दसिया है कुल हु अल्लाह हो आहद अल्लाह समद फरमाया लोगो बिलाल ने नबी दी जुबान नाली प्यार कीता है बिलाल ने नबी दी जुबान नाल प्यार कीता इधर वेखो जी दो गला लियो जिन्हों नबी पाक दी जुबान ते इतबार नहीं ना वो मुसलमान नहीं ओ मुसलमान ओ मुसलमान ओ ईमान आला होवे जिवें सोने ने कहा मन जाओ अच्छा मैं तुहाडे कोल सवाल करना सारे बैठे हो मैं तुहाडे ज्यादा सारिआं तों वड्डा गुनाहगार मैं वां तुहाडे सामने बैठा बाबा जी अज तक किसे जन्नत वेखी है ए पहले बच्चे तों लै के ओ पिछे जिहड़ा बैठा है बार बरामदे च बैठे हो ए बुजुर्ग कुर्सी ते बैठे हो तुसीं बैठे हो बाबा जी जन्नत किसे वेखी है दोजक वेखी है पुल सरात वेख्या मन दे है वे मन दे क्यों आए हाय 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 ओए हजे भी मैं तुहानू की दसा मिलाद की है बाबा जिहड़ी चीज असा वेखी नहीं असी मिंबरां ते कारी साहब बयान करदे ने मैं करना भी उत्थे दुध दियां नहरां होणियां ने उत्थे शहर दियां नहरां होणियां ने मैं अगले तों जो एक गल कीती सी साडे रिश्तेदार इसे ने मैं उन्होंने कहा मैं कहा चाचा जी इत्थे ते दुध तुसा सानू खालस देना कोई नहीं ते जन्नत च नसीब होना खालस जी चलो जन्नत च पीएंगे उत्थे ते खालस होना उत्थे ते किसे नहीं ना पानी मिलाना कोई बंदा गुस्सा ना करे गल हकीकत और इसलाह दी मुसलमान जिहड़ा ना मुसलमान वह मिलावट कर सकदा सब नालों ज़्यादा मिलावट पाकिस्तान विच होंदी जी मैं गल सची पै करना मिलाद इस चीज़ का ना नहीं भी मैं शेर पढ़ के थोड़े को पैसे लैके टुर जावा टाइम तो मैं गुजार छड़ना शेर पढ़ के लेकिन मैंने पूछा जाना कि तू दे के की आया लोगों सुनिया की है बाबा जेड़ा मुलक वाहिद पाकिस्तान की रियासत है पाकिस्तान वाहिद है मुलक है पाकिस्तान जेड़ा इस्लाम के नाते बने कि नाते बने
किदे नाँ दे बने? अच्छा, पाकिस्तान का मतलब क्या? यही मिशन सी मुहम्मद अली जना दा, और यही मिशन सी सियालकोट दे शहजादे डॉक्टर अलामा मुहम्मद इकबाल दा। अल्लाह की कसम है, असी जाने ना दूसरे शहर च तो लोग सानू पुछदे ने सुल्तानी साहब किथे दे हो, असी आने सियालकोट दे, तो लोग हाथ चूमदे ने, वो मेरी वजह तो नहीं चूमदे, वो आंदे ने तुसी उस शहर विचों आए हो जिथे नबी दा आशक डॉक्टर अलामा इकबाल पैदा होया। अल्लाह की कसम है, लोग बड़ी इज्जत करते, लोग इस शहर की मिट्टी चूमते हैं, जेडे बंदे जानने वाले ने, शनास बंदे पहचानने वाले, फिर उन्होंने पता है मुसलमाना का मुल्क है पाकिस्तान, कि ना तो बने। अच्छा इधर वेखो, रेट रखे है भी जोड़ा खालस दुध है वह 200 रुपये किलो वे, इधर वेखियो जोड़ा पानी वाला है वह 180 रुपये किलो वे, जोड़ा उस तो ज़्यादा पानी वाला है वह 150 रुपये किलो वे, तो जिदा 200 रुपया लै रहे ने ना खालस का, तो खालस वह भी कोई नहीं जो। इधर वेखो मेरे वाल, जेड़ा बंदा उन्हें एक मझ रखी है या 10 मझा रखिया ने या एक डेरा या 5 डेरे ने, जेड़ा बंदा दुध में पानी पाँदा ना अल्लाह उसकी नमाज कबूलने च करता। ए नकीबे महफिल भी बैठा है, ए तुहाड़े कारी साहब बैठे ने, इन्हों उठा के पुछो भी अल्लाह उसकी नमाज कबूल करेगा? पुछो। नबी पाक ने इधर वेख्यो जी, इधर वेख्यो, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जेड़ा मुसलमान है, मुसलमान गुनाहगार हो सकता? आपने फरमाया हो सकता। बेनमाजी हो सकता? आपने फरमाया हो सकता। इधर वेख्यो, हजूर मुसलमान किसी को धोखा दे सकता? आपने फरमाया मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को धोखा। ए बाबा जी एवं दिल की गल होंगी है, मैं किलो पिछे 2 किलो वधा लाँगा, बरकत कोई नहीं जाती, अजमा के वेख लियो। अज दुकानदार है ना, दुकानदार ए साड़िया मर्चा ने ना, मर्चा इधर वेखो, ए गल जरूरी ने, इसलाह वे मुसलमान बंदे की सलाह होनी बहुत जरूरी है, असं टुर पे दूसरे पास, ए मर्चा ने ना सुरख मर्चा, तो असं इंज तो मुसलमान ये फाक मिला छड़ना जी। अल्लाह की इज्जत की कसम, गल समझो, जेड़ा बंदा दुकान पर बैठा है भावें वह मौलवी है तो भावें गैरे मौलवी है, भावें वह हाजी है तो भावें नमाजी है, जेड़ा बंदा मिलावट करता ना अल्लाह उसकी रोजी विच बरकत रहन देंदा, अल्लाह उसकी रोजी विच बरकत रहन देंदा। ए लाहौर तुहाडे करीब है, बाबा जी एक बंदा महफल करांदा सी, उन्हें 20 साल हो चले सन, हर साल नबी का जश्न मनांदा सी, किन्ने साल? रफाकत जट साहब कितने ने? इत्थे ने कि बाहर ने? अच्छा वेखो उन्हां दी हिम्मत, बाहर बह के नबी का मिलाद पे मनांदे ने, गल इश्क दी है, ते कई इत्थे होने ने आंदे होने, बड़े पैसे आ गए ने इन्हां कोल, जे कोई चंगा काम करे तो लोग उन्हें भी नहीं खिलाउन देंदे, ते जे कोई भैड़ा करे तो लोग उन्हें भी खिलाउन, जे कोई बाबा नमाजी बन जाए ना वडेरा तो लोग आंदे ने हुण गोडियां गिटियां तो रहा तो हुण मसीत मल ले, कसम खुदा दी लोग आंदे जे हूँ वेख कुछ काम का नहीं रहा तो हूँ मसीते वड़ गए, हूँ मैनू ईमानदारी ना दसो दो गला लिया, वो यार जिदे घर आया जो वह नहीं पुछता पे तो तू कौन है, हूँ मैं कि गल करा तो तुसा कि गल सुननी अज रात बरकत वाली, जे वह जिदे वेड़े आया है, मस्जिद कि घर है? ए मौलवी साहब का घर है, मेरा घर है, जटा का घर है, किसी का घर है, कि घर है? अल्लाह ने बाबे नूं पुछया भी फरिश्ते दरवाजे अगे खिलारो, बाबे नूं पहला पुछो भी पिछले 30 साल कित्थे सन, कदी अल्लाह ने किसे नूं पुछया होवे? ओए बाबे ओ, ओ जे तू अल्लाह नूं टेंशन कोई नहीं ते तुहानूं कदी टेंशन है, वह तो आंदा 24 घंटे मेरे रहमत दे दरवाजे खुले ने, किसे वेले आके बख्शिश मंग, आके तौबा कर, रब्बे काबा की कसम है बाबा 20 साल हो गए, कहिंदा मैं एक दिन जुतियां पे गंढा, मैं उहदी महफल ते गया, मैनू आप ही गल सुणांदा, कहिंदा मैं जुतियां पे गंढा ते मेरे ज़हन विच अचानक ख्याल आया कि कल 12 रबीउल अव्वल है ते मैं अपने नबी दे नां दा लंगर ना पकावां। इतराज करन वाले विच होंदे ने ते सज्जन भी विच ही होंदे जी। इधर वेखियो, कहिंदा कारी साहब 300 रुपया लैके घर गया, उस दौर की गल 20 साल पहले की गल पे सुणांदा, 300 रुपया लैके गया, रब्बे काबा की इज्जत की कसम जो जोड़िया सी ना जमा किया तो वह समान लिया, लंगर पकाया, अपनी बीवी नूं कहन लगा मेरे घर तो आना किसे नहीं, तो पतीला गली च रख तो जेड़ा आउंदा ही नबी दाशक उन्हूं लंगर दें दी जा। कहिंदा करी साहब 20 साल हो गए ने,
अज के मिलाद विच मेरी महफल ते 38 देगा पकियां ने। कितों आया लंगर जी? ओ जिदे नां दा लंगर है ना वह जानदा है, जिदे नां दा लंगर है वह, जिदे नां दा लंगर है वह जानदा है। कदी ना डरिया जे, कदी ना शर्माया जे। तेरे को 10 रुपये की तौफीक है ना, जे कोई आया ना चाचा महफल करानी, उन्हें कह लै पुत्र अगू गल्ला नहीं सुनाई दी, एवं कोई बंदा 100 रुपया दे के 200 दी गल्ला सुना छड़ दे। ओ तुसी महफल करानी है, तुसी एडे आए मसीते तुसी वड़दे नहीं तो महफल कराते पे। मैं ये नहीं कहता भी मसीते ना वड़ो, अज महफल कराण आए ने, चलो किसी बहाने तो मस्जिद आ गए ने ना, गल की गहराई तक जाओ, गल अंदरू लवो। वो किसे बहाने ते बंदा अंदर आ गया ना, हो सकता है महफल च नौजवान तेरा पुत्र पोतरा बैठा है, उत्तों रब ने नजरे रहमत फाई है। अल्लाह फरिश्तों फरमाएगा ए जिन्हें बैठे ने ना मैं मुहम्मद का सदका सारियां नु माफ फरमा छड़िया है। हाय 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 हाय, कोई पता नहीं जे ते कदी दो नंबरी ना करिया जे, तैनू घाटा भी पै जाए ना, घाटा भी हो जाए, दो नंबरी ना करी, किसी नाल फराड ना करी। अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने उनके मुँह जहन्नम च सुट देना उस बंदे नू जिहड़ा मुसलमान हो के धोखा करे। तो मेरे नबी ने आके दसिया फरमाया जिहड़ा साडा वे वह दो नंबर नहीं हो सकता, जिहड़ा साडा वह दो नंबर, वह दो नंबर। जदों नबी पाक अपनी माँ की गोद विच आ गए ना, तो नबी की अम्मा फरमांदियां ने मैं मक्के बह के मुल्के शाम के महल वेख रही हाँ। हजूर मक्के आए, हिजरत करके मदीने गए, एक चन मक्के चढ़िया, एक चन मदीने चढ़िया, एक चन इत्थे मैं तेरा जोक वेखना दोगला लिया। इसे वास्ते आल अल ईलान सुल्तानी कह रहे हैं सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर मदीने चढ़िया, इत्थे जिदा हाथ थले वे ओदा नसीब थले हो रहा, जिदा हाथ बुलंदी अल्लाह मुकद्दर बुलंद करे सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर मदीने चढ़िया। बाबा सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर मदीने चढ़िया, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया है। सारी दुनिया वेख दी पई है सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर मदीने चढ़िया, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया, नबी दा कलमा पढ़न आलिया मिल गया, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा। मेरे नबी दी अम्मा फरमांदियां ने जदों मेरे वेड़े सोना आया नबी दे दादे नूं पता लगा अल्लाह ने पोतरा दिता है, नबी दे दादा दौड़ के आए ने, हा के नबी नूं सीने ला लिया, सीने ला के मथा चुमिया, मथा चुम के हाथ चुमे ने, आंदे ने आमीना वे खल्ला ने किदा सोना मुहम्मद बनाया, किदा सोना नबी बनाया है, किदा सोना रसूल बनाया है। इधर वेखियो बाबा जी मेरे नबी दे दादा नबी नू हाथां ते चुकिया, इधर वेखियो नबी नू हाथां ते चुकिया, चुक के काबे वल आंदे ने काबा वेख मेरा पोतरा किदा सोना है, जुमले सुनियो वेख मेरा पोतरा किदा सोना है, काबे चू आवाज आई बाबा मैं अज वेखिया है, तू भी अज वेखिया है, जड़ा बनाण वाला है उन्हें इंज नहीं बनाया, उन्हें यार नू पुछ पुछ के बनाया है, उन्हें इंज नहीं बनाया, उन्हें पुछ पुछ के बनाया है, उन्हें पुछ पुछ के सजाया है, यार दियां जुल्फां दी वारी आई है। अल्लाह ने फरमाया महबूबा
दस जुल्फ किंज दी बनानी है इश्क ना सुनी इश्क दे वेड़े जदों हथां दी वारी आई है इधर वेख ओए जदों हथां दी वारी आई है अल्लाह ने फरमाया महबूबा दस तेरे हाथ की हो जाए बनावा तेरी अख की हो जाए सजावा तेरा सीना की हो जाया बनावा साउंड आले अल्लाह तेनु सलामत रखे सोना परेड प्या करना जुमले सुनिया जे जदों सारे नबी नू बनाण दी वारी आई है जदों जुबान दी वारी आई दो गला लिया मेरे नबी ने फरमाया मौला जे मैनू बनाई मैनू इंज दा बनावी मेरी तस्वीर विच तू नजर आएगा मेरी तस्वीर विच तेरी तस्वीर नजर आएगी हजरत मूसा अलैहि सलाम दे उम्मती कहन लगे मूसा असा तेरा रब वेखना है असा तेरा आख्या के ना आख्या के ना आख्या मूसा जी असा नहीं तुहानू मनना फरमाया क्यों पहला उन्हू मिलाओ जिन्हें तुहानू भेजिया आखिरी गल कर लगा जुमले सुना हजरत मूसा अलैहि सलाम को है दूर ते गए मौला हाँ मूसा ए वाम जिद्दी पै गई आ अल्लाह ने फरमाया की आंदी आ अर्ज की मौला ये आंदे असा तैनू वेखना है अल्लाह फरमांदा इन्हां नू समझा इन्हां दी अख विच इन्नी ताकत नहीं है खुदा नू वेख सकदे इन्हां दी अख विच इन्नी कुवत इन्नी ताकत नहीं कि ए रब दा नजारा कर सकन इत्थे जुमले सुनी हजरत मूसा वापस आए वह अल्लाह फरमांदा जे तुसी नहीं वेख सकते उन्हें कहा भावे अल्लाह फरमांदा तो भावे नहीं फरमांदा असां फिर भी वेखना मूसा अलैहि सलाम फिर गए या अल्लाह नहीं पे मुड़ दे अल्लाह फरमांदा चल जे नहीं ना मुड़ दे ते 40 बंदे लैके आ किन्ने बंदे मैं कुरान की तफसीर पे पढ़दा जे 40 बंदे मोतबर लैके आ जेड़े तेरे उम्मत दे मोतबर बंदे ने जे उन्हें वेख लिया तो फिर पिछले भी वेख लैन इधर वेख्यो जी जदों हजरत मूसा अलैहि सलाम बाबा जी 40 बंदे लैके कोहे तूर ते पहुंचे ना अल्लाह ने फरमाया मूसा जी मौला इधर वेख्यो जी सारी महफल 5-4 मिनट रह गए जे ए सामने पहाड़ वाल वेख अगर ये पहाड़ सही सलामत रहा तो तुसी भी सही सलामत रहोगे ते जे ओदा कख कंडा ना रहा तो कख कंडा तुहाडा भी आए हाय 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 जुमले सुनियो तू रब नू वेखण टुरे हो तुसी अल्लाह नू वेखण टुरे हो इत्थे दो गल्लां ले सुनी अल्लाह ने सूई दे नके दे सूई का नका वेख्या जी कि बरीक अल्लाह करीम ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते ने सूई दे नके दे करोड़ में हिस्से भी कई करोड़ में हिस्सा तजली पाई कोहे तूर से जो कोहे तूर बंदियां ते नहीं सी पई पहाड़ ते पई सी किबला पहाड़ ते पई सी बंदियां नू कहा सी तुसी पहाड़ वाल वेखना है जदों पहाड़ ते रब्बे जुल जलाल दी तजली पई ना बाबा जी इन्ने करोड़ में से ते पहाड़ जल गया ते 40 बंदे मौत विच डिग पे थले ते मूसा नबी बेहोश हो गए पता जे बेहोश क्यों होए सन नबी सन ये बच्चे ताने ये नबी सन ये पैगंबर सन दूसरे 40 बंदे बाबा जी गए जे अगा निकल गए रूह निकल गई जो मूसा अलैहि सलाम होश आई अल्लाह ने फरमाया हाँ मैं मूसा हूँ की करना है इधर वेखो इंज हजरत मूसा ने हाथ जोड़े अल्लाह ए 40 बंदे जड़े मारे नहीं ना मेरी कौम ने मैनू खिलाउन नहीं देना हजरत मूसा की कौम बाबा जी बड़ी जिद्दी कौम हुई है सारिया कौमों तो ज्यादा जिद्दी कौम सी हजरत मूसा की मैनू इन्हें खिलाउन नहीं देना एक मेहरबानी कर इन्हों एक बार जिंदगी दे इन्हों मैं अपने अपने घर च बचावा तो फिर ये जानन तो इन्हों के घर आए जान अल्लाह ने फरमाया चलो जिंदा हो जा सारे जिंदा हो गए इत्थे जुमले सुनी मैं आखिरी नबी की शान पढ़ लगा जिंदगी रही तो फिर गल्लां करांगे जो हजरत मूसा अलैहि सलाम नू होश आई ना दोगला लिया जुमले सुनी मूसा ने अल्लाह नाल अर्ज़ की मौला मैं भी तैनू वेख नहीं सकिया आए हाय हाय मैं भी तैनू वेख नहीं सकिया फिर मैं मूसा तेरी अख दे अंदर वो ताकत नहीं जिहड़ी रब दा जलवा वेख सके मूसा ने आख्या या अल्लाह जे मैं नहीं वेख सकिया तो फिर कोई भी नहीं होना अल्लाह ने फरमाया ना ना इत्थे सुन जे इन्ना इंतजार किया ना 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 ना
मूसा सिर्फ तू नहीं वेखेगा, या अल्लाह कोई होर है वे जड़ा तनु वेखेगा। फरमाया हाँ एक है वे, ओ मेरा यार मोहम्मद। हाय हाय हाय, ओ मेरा यार मोहम्मद। मुक गई महफल। ओ मेरा यार मोहम्मद, ओ बाबा जी अल्लाह जिंदगी दे जुमले सुने आने। ओ मेरा दिल पर जानी मोहम्मद, ओ मेरा महबूब मोहम्मद, ओ कुल कायनात दी जान मोहम्मद। जेड़ा अरशां ते आएगा, जेड़ा मेरा दीदार करेगा, जेड़ा मेरा नजारा करेगा, थाइयों ते दोगला लिया सुल्तानी कह रहे आए। अल्लाह ने फरमाया मूसा ताई तो सानों वेख सकदा नहीं। आखिरी शेर सुनी। अल्लाह ने फरमाया मूसा ताई तो सानों तक सकदा नहीं। क्यों असाद दे लुकाई होई है सोने मदनी दे वास्ते। उठ जाओ। असाद दे लुकाई होई है सोने मदनी दे वास्ते। मिल गया खो यार। असाद दे लुकाई होई है सोने मदनी दे वास्ते। असाद दे लुकाई होई है सोने मदनी दे वास्ते, सोने मदनी दे वास्ते, सोने मदनी दे वास्ते। असाद दे लुकाई होई है सोने मदनी दे वास्ते। आलल इलान कह रहा सरकार सरदार बन के आए। आए हाय हाय। सरकार सरकार सरदार बन के आए। कुल नबियां दे इमाम बन के आए। मेरा नबी ओ नबी है जेड़ा सरदार जेड़ा इमाम बन के आया है। इसे वास्ते कह रहे हैं खुशबू भरी फिजाए। सुनियो बाबा जी। खुशबू भरी फिजाए सोना जो आ गया है बाबा। खुशबू भरी फिजाए सोना जो आ गया है। नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए।